नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। आज फ्रॉड अलग तरह से हो रहा है। अभी हाल ही में एक मामला गुरुग्राम में हुआ है, जिसमें पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल बनकर एक व्यक्ति से करीब 40,000 रुपए की ठगी हुई है। उस व्यक्ति के फोन पे एक कॉल आता है और बोलने वाला व्यक्ति जो दूसरे कॉल पे है, दूसरे फोन पे था, वह व्यक्ति बताता है कि वो गुरुग्राम का पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल बोल रहा है और उसको इतने पैसों की आवश्यकता है और वह व्यक्ति अपने भोलेपन में उतना पैसा डाल देता है उसके खाते में। जैसे ही उसको इस बात की भनक लगती है कि उसके साथ फ्रॉड हो गया, क्योंकि फोन पे बोलने वाला व्यक्ति उसकी आवाज़ उमेश अग्रवाल से मिलती नहीं थी। हालांकि वो पैसे तो ट्रांसफर कर देता है, लेकिन इसकी सूचना गुरुग्राम पुलिस को देता है, जिसके बाद पुलिस उसे साइबर क्राइम थाने में भेजती है। वहां कंप्लेन तो दे दी जाती है, लेकिन अब तक मामला दर्ज नहीं हुआ। जी हाँ, ये पहला मामला नहीं है। ऐसे अमूमन पूरे देश में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जहां तरह तरह की ठगी की जा रही है और एक गिरोह सक्रिय है। हमारे साथ दो अधिवक्ता जो गुरुग्राम कोर्ट के हैं और खास तौर पर ऐसे ही केस जो ठगी के केस होते हैं, उन्हीं में दोनों एक्सपर्ट हैं और ये इसी में प्रैक्टिस करते हैं गुरुग्राम अदालत में। एक है राहुल टुटेजा जी और दूसरे हैं हमारे साथ अमित कुमार जी। इन दोनों से बात करेंगे कि आखिर ये ठगी किस तरह से हो रही है और पुलिस इसमें क्यों पंगू साबित हो रही है। राहुल जी, आपका स्वागत है प्रवासी एक्सप्रेस में। अमित जी, आपका भी स्वागत है। राहुल जी, आपसे शुरुआत करेंगे, ये जो ठगी का नया खेल शुरू हुआ है जी, किस तरह हो रहा है और आखिर पुलिस इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? सर देखिए, ये जो ठगी का खेल है ये आज से चला आ रहा है, ये काफी समय से हम भी देखते आ रहे हैं, काफी समय से चला आ रहा है। जो साइबर अपराधी हैं, जो साइबर सेल के अपराधी हैं, जो ये ठगी करते हैं, ये एक्सपर्ट होते हैं, ये आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, ये इंजीनियर्स होते हैं, ये अपना ठगी का रास्ता अपनाते हैं। शॉर्ट टाइम में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए लोग ठगी करते हैं, भोले भाले लोगों से ठगी करते हैं और यहाँ तक कि इनके जाल में सर एक्सपर्ट लोग जो अपने आप को समझदार समझते हैं या जो एक एजुकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट जो लोग होते हैं या जो जो अच्छी एमएनसी कंपनी में जॉब करते हैं, वो लोग भी इनकी ठगी का कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं। जैसे सर पहले हम देखते आ रहे हैं कि पहले ना ठगी का तरीका एक नॉर्मल तरीका था, ये लोग फोन करते थे कि हम बैंक के मैनेजर बोल रहे हैं, आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है, या सर आप अपना कार्ड खुलवाना चाहते हैं तो आप हमें कार्ड की डिटेल दो। लोग स्टार्टिंग में तो लोग डिटेल देते थे और उनके कार्ड से फ्रॉड हो जाता था। उसके बाद इन लोगों ने जो कंपनी लोग मोबाइल यूज करते थे, इनके कंपनी का एग्जीक्यूटिव बन के कॉल करना स्टार्ट कर दिया कि हम एयरटेल से बोल रहे हैं, हम वोडाफोन से बोल रहे हैं, हम आइडिया से बोल रहे हैं, तो आपका एक रिचार्ज का ऑफर है, 35 रुपये का रिचार्ज करना है, 40 रुपये का रिचार्ज करना है। ये लोग छोटा अमाउंट बता देते ताकि लोग इनकी ठगी में फंस जाएं, आपका रिचार्ज करना है और आप हमें डिटेल दो ताकि हम आपका रिचार्ज आपको कर सकें। लोग फिर उस ठगी में फंसे। फिर जब लोगों को सरकार द्वारा या पुलिस द्वारा जागरूक किया गया, फिर इन लोगों ने एक नया SMS का तरीका अपना लिया, एक मेल का तरीका अपना लिया, एक मेल कर देते हैं, SMS कर देते हैं कि सर आपने 2 लाख की लॉटरी जीती, आपने 20 करोड़ की लॉटरी जीती, आपने ये लॉटरी जीती, आप अपने KYC डिटेल अपडेट करें, एक टोल फ्री नंबर दे दिया जाता था, तो उस पर कॉल करते थे लोग और ठगी का शिकार हो जाते थे। फिर हमारी पुलिस ने और सरकार ने जागरूक किया लोगों को कि ठगी का ये तरीका है। फिर आजकल लोगों को एक जो फेसबुक वगैरह जो हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, जो लोग यूज़ करते हैं, बच्चे भी यूज़ करते हैं, बड़े भी यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, उनकी जो ID हैक करके, लाइक उनकी फोटोग्राफ्स, उनकी प्रोफाइल पिक्स उनकी सेव करके, उनको कॉपी पेस्ट करके एक फेक ID बनाते थे और उन लोगों को जो उनके फ्रेंड्स के लोग होते हैं या जिन लोगों से वो बात करते थे, चैटिंग करते थे, लाइक फोटो लाइक करते थे, शेयर करते थे, उनकी मैसेजेस पढ़ते थे, उनको मैसेज करते हैं कि सर हमें राउंड फिगर पैसा नहीं मांगते, हमें 832 रुपये चाहिए, हमें 942 रुपये चाहिए, या मैंने एक पेट्रोल डलवा लिया, मैंने एक रिचार्ज करना था, मुझे पैसा चाहिए, ये छोटा अमाउंट मांगते थे और एक से नहीं 100 लोगों से छोटा अमाउंट मांग लिया, 100 में से 10 लोगों ने दे दिया। अगर मान लो 932 रुपये भी सबसे मांग रहे 10 लोगों से, 9,000 तो चले आ गए ना उनके पास। अब 932 रुपये के चक्कर में लोग कंप्लेंट नहीं करते थे, लोग जागरूक नहीं होते थे और जिस वजह से ठगी आज की डेट में बढ़ती ही जा रही है। और अब सर इन्होंने नया एक क्लोन कार्ड बना लेते हैं, जैसे हम पेट्रोल डलवाते हैं, हम अपना रिचार्ज करते हैं, हम ऑनलाइन कार्ड मशीन POS में यूज करते हैं, तो एक क्लोन जनरेट कर लेते हैं जिसको क्लोन कार्ड बना के ये उसको पूरा यूज कर लेते हैं। ये तो ठगी का तरीका आपने बताया, लेकिन सवाल ये है कि आपके पास ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं, कार्रवाई क्यों नहीं होती? सब लोग आपके पास जो पीड़ित पहुंचते हैं उनका यही आरोप होता है कि पुलिस इसमें कार्रवाई नहीं करती। सर देखो, ऐसा होता है ना, लोग जागरूक नहीं है कि हमने कार्रवाई करनी कैसे है, करवानी कैसे है। बेसिकली क्या होता है, अगर किसी के साथ फ्रॉड हो रहा है, सबसे पहले तो उसको अपने बैंकर को ना इन्फॉर्म करना चाहिए। लाइक उसका अगर ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो ICICI कस्टमर केयर हॉटलाइन नंबर होते हैं, हमारी वेबसाइट्स पे हैं, कार्ड के पीछे नंबर होते हैं, हमारी पासबुक पे नंबर होते हैं,
उनको पूरा इन्फॉर्म करना चाहिए कि सर मेरे साथ ठगी हुई है, क्योंकि मैसेज तो सर आते ही हैं जो ट्रांजेक्शन के, इंस्टेंटली आप इन्फॉर्म करो अपने बैंकर्स को कि सर मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और ये ट्रांजेक्शन मैंने नहीं की जिस, और उसके बाद सर हमें लोकल थाने में ना जाके हमें अपने साइबर सेल हमारे बने हुए हैं, हमारे गुड़गांव में साइबर सेल हैं, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए बाय मेल बाय टोल फ्री नंबर सबके साथ उनको इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि उनकी ये कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो सके और उस पर इंस्टेंट कार्रवाई हो सके। सर आपसे जानेंगे, आप भी बहुत इस तरह के मामले डील करते हैं, गुरुग्राम में इस तरह की, हरियाणा में और गुरुग्राम में इस तरह के मामले बहुत ज्यादा आते हैं, पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती और आप लोगों के पास जब कंप्लेंट आता है तो आप करते क्या है उसका? देखिए सर ऐसा है, सबसे पहले क्या है, हम लोग जब भी हमारे साथ ऐसी कोई घटना होती है या घटित होती है तो हम सबसे पहले हम घबरा जाते हैं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और हम क्या करते हैं, अपने कंसर्न थाने में जाते हैं जो कि हमें सबसे पहले उस बैंक को, जिस बैंक से ठगी हुई है, जिस बैंक अकाउंट से हमारी ठगी हुई है, सबसे पहले हमें उसके टोल फ्री नंबर पर कॉल करके बैंक को इन्फॉर्म करना है ताकि हमारा खाता सीज हो सके और उससे ज़्यादा हमारा अमाउंट डिडक्ट ना हो सके हमारे बैंक से। सबसे पहले तो हमें ये काम करना है, उसके बाद हमें कंसर्न थाने में ना जाके हमें साइबर सेल बने हुए हैं, साइबर सेल के ऑफिस में। आम आदमी को इसकी जानकारी नहीं होती सर कि साइबर सेल कहाँ है, साइबर थाने क्या होते हैं, जिनके साथ फ्रॉड होता है वो तो परेशान रहते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, उनको घबराना नहीं है, ठीक है सर। और उनको सबसे पहले अपने टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने अकाउंट को बंद कराना है, जानकारी देनी है बैंक को, ठीक है। उसके बाद में वो लोग हमारा सारा लेते हैं, जैसे कोर्ट में हमें कॉल की कि अबे हमें क्या करना है, फिर हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि आपको साइबर सेल के ऑफिस में जाइए। ऐसा नहीं है, पुलिस क्या करेगी उसमें, पुलिस की मेन रोल पुलिस का होता है उसमें। सबसे पहले लोग क्या, कुछ भी फ्रॉड होते ही थाने में जाएंगे, जबकि उनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उन्हें हमारे साइबर सेल के ऑफिस बने हुए हैं स्पेशल इसीलिए क्योंकि गुड़गांव एक महानगर है और इसीलिए इस बड़े महानगर को देखते हुए, इसकी आबादी को देखते हुए थानों की बजाय इनके साइबर सेल बने हुए हैं। हमें जाके ये सारी घटना वहाँ पे अपनी रिपोर्ट दर्ज करानी है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद ये लोग फिर कोर्ट का रास्ता। नहीं, आपके पास जो लोग आते हैं उनका तो यही आरोप होता है कि उन थानों में उनकी सुनवाई नहीं होती, जिनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, उनके पैसे चले गए, कुछ हो नहीं रहा है, तो उन पर क्यों ऐसा क्यों है? सबसे पहली बात यह है कि जैसे हमारे यहाँ पे ज्यादातर क्या है, पुलिस वाले इतने एजुकेटेड नहीं है, या हम कह सकते हैं वेल एजुकेटेड नहीं है, ठीक है सर, क्योंकि जो लोग फ्रॉड करते हैं, इस तरह का फ्रॉड करते हैं, वो लोग हाईली एजुकेटेड होते हैं, ठीक है, इंजीनियर्स होते हैं, तब की हमारे आईटी एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन हमारे थानों में उस तरह के अभी तक की एक्सपर्ट नहीं है। और पुलिस हमारी ज्यादातर पुलिस तो वीआईपी मूवमेंट्स में व्यस्त रहती है, ठीक है सर। उसके बाद में वीआईपी मूवमेंट्स के अलावा ट्रैफिक, हमारे गुड़गांव में ट्रैफिक कितना है सर कि पुलिस का पूरा काम, यानी पुलिस 24 घंटे 12 घंटे भी ड्यूटी करती है तो 6 घंटे तो उसके ट्रैफिक में चले गए और 6 घंटे फिर उसके वीआईपी मूवमेंट्स में चले जाते हैं, कभी सीएम साहब कभी वीआईपी मूवमेंट्स यहाँ पे लगी रहती है क्योंकि एक बहुत बड़ा महानगर है। लेकिन क्या है, पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए कि वेल एजुकेटेड लोगों को ये जिम्मेदारी दी जाए जो कि इन लोगों को पकड़ सके और इन लोगों के ऊपर शिकंजा कसा जा सके। इसमें आपने जैसा कहा कि पुलिस भी कहीं ना कहीं अपना रोल ठीक से नहीं निभा पाती, जो हैकर्स आप लोगों के पास मामले आते हैं तो क्या अभी आज तक कुछ ऐसा हुआ है कि एक आध हैकर्स पकड़े गए हों? हाँ सर ऐसा भी हुआ है, लेकिन उसमें क्या है, पुलिस उस हैकर को वहाँ से अरेस्ट करने के लिए काफी सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है अधिकारियों से, ठीक है सर। तो पुलिस उसमें कार्रवाई से बचते हुए, पुलिस चाहती है कि हम इतना लंबा प्रोसेस अदा ना करें और कहती है कि नहीं आपकी कार्रवाई हो जाएगी या इतने आपके साथ तो छोटे अमाउंट का ठगी हुई है तो आप क्यों को, मैम आप सपोज कीजिए मेरे साथ जो ठगी हुई है वो लोग वेस्ट बंगाल में बैठे हैं, ठीक है सर, किसी भी जरिए से वो लोग ट्रेस आउट हो जाते हैं तो पुलिस उनको जाने के लिए हिचकती है, पुलिस हमें टालती रहती है कि आज कल परसों ऐसे अभी टाइम नहीं है, अभी हम व्यस्त हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, अभी ऑर्डर नहीं है हमारे पास जाने के, ठीक है, सुविधाएं नहीं है इतनी दूर जाने की, क्या आप पे करेंगे, जबकि एक जिसके साथ पे जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, वो पहले से ही परेशान होता है क्योंकि उसके साथ पहले से ही ऐसी घटना है तो वो कहाँ से पुलिस का खर्चा उठा के उसको अदर स्टेट जाए। आपसे पूछूंगा जानूंगा कि जो कुछ चीज चल रहा है आजकल फ्रॉड का खेल, ठगी का खेल, इसमें आप जिम्मेदार किसको मानते? जागरूक नहीं है,
पुलिस जागरूक करना किसका काम? सर जागरूक करना हो तो एक तो सर आजकल क्या है, बच्चे भी हमारे फेसबुक यूज कर, बच्चे भी और मल्टीमीडिया सर इतना आप देखिए ना, बीच में कोविड 19 का लॉकडाउन हो गया था, ऑनलाइन एजुकेशन हमारी हो गई, टैबलेट पे हम बच्चों की स्टडीज करवा रहे हैं, टैबलेट में हम सब कुछ मोबाइल पे स्टडीज करा रहे हैं। सर जागरूक तो हमें खुद ही होना पड़ेगा ना। सर हम पुलिस का क्या काम है सर, हम जब तक पुलिस को इंटीमेट करेंगे सर तब तक तो आईओ चेंज ही हो जाता है। आप देखिए ना सर हमारे गुड़गांव में क्या है, अब गुड़गांव की बात करता हूँ, जितने भी साइबर सेल थाने हैं इतनी पहुंच नहीं है लोगों तक, लोगों को पता ही नहीं है हमारा साइबर सेल थाना क्या है, कहाँ पे है, अगर हमारे साथ कोई फ्रॉड हुआ है हमने कहाँ पे जाना है। लोग तो सर क्या करते हैं 100 नंबर पे फोन कर लेते हैं, लोग क्या करते हैं लोकल थाने पे चले जाते हैं सर हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है, फिर लोकल थाना कंसर्न डिपार्टमेंट को कंप्लेंट फॉरवर्ड करता है, इस पूरी कार्रवाई में भी 10 से 15 दिन लग जाते हैं, फिर जब उसके पास फोन आता है कि सर आप मैं इस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ आप आइए, फिर जब तक आइए कुछ नतीजे पे पूछते हैं आइए ट्रांसफर हो जाती है। तो फाइनली आप क्या कहेंगे उन लोगों से जिनके साथ फ्रॉड हो रहा है, और जो लोग महानगर में रहते हैं जो इस तरह के क्रेडिट कार्ड्स और एटीएम्स यूज करते हैं या जिनके साथ फ्रॉड हो सकता है, उन्हें क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए? सर सबसे पहले लोगों को अपने लिए खुद जागरूक होना पड़ेगा, अगर कोई कॉल आता है कोई मैसेज आता है आप उनको मैसेज रिप्लाई नहीं देना आप लोगों ने, और अगर कुछ आपको लगता है कि कोई मेरे साथ मेरा अकाउंट फ्रीज होने वाला है या कुछ, आप ना बैंक के कस्टमर केयर पे कॉल कीजिए कि सर ऐसे ऐसे मेरा मैसेज आया है, क्या ये मैसेज बैंक के ऑथराइज पर्सन ने ही भेजा है या बैंक के लिंक से ही आया है, आप लिंक पे क्लिक ही मत कीजिए, आप अपनी ब्रांच में कुछ विजिट कीजिए, अगर आपको लगता है कुछ मेरा प्रॉब्लम है मेरे क्रेडिट कार्ड में प्रॉब्लम है तो अपनी ब्रांच में विजिट कीजिए ना। आपको सर सबसे पहले जागरूक खुद होना पड़ेगा, फेसबुक और व्हाट्सएप के सहारे या कॉल करके जो पैसे सर किसी को पैसे नहीं देने, क्योंकि जो बंदा आपसे बात करेगा फोन पे आप उसी से तो बात कीजिएगा। मान लीजिए आपको कोई कहता है कि मेरे को जरूरत है पैसों की, आप उसको उसके नंबर पे कॉल करो कि सर आप ऐसे से मैसेज आया था क्या आपको जरूरत है, आप पहले उसको इन्फॉर्म करो सर आपके आईडी से मैसेज आया था, आपकी नई आईडी से मेरा मैसेज आया है या आपकी पुरानी आईडी से मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, मेरी फेसबुक पे मैसेज आया है, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया है, मेरी सोशल नेटवर्किंग साइट जो भी आप यूज करते हैं मैसेज आया है, आप पहले उनको उनसे पूछ तो लीजिए, ये थोड़ी कि कम अमाउंट है तो आप पैसा ट्रांजेक्शन कर देंगे, उसके जिम्मेवार फिर आप खुद होंगे। निश्चित तौर पे ये दोनों अधिवक्ता हैं गुरुग्राम कोर्ट के, और खास तौर पे जो आईटी और जो फ्रॉड से जुड़े हुए मामले आते हैं उन्हीं को ये डील करते हैं, और इन्होंने भी यह अपील की है लोगों से और हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि जो आजकल ठगी का खेल चल रहा है इसे रोकने में पुलिस के साथ साथ हम सबको भूमिका निभाने की आवश्यकता है, और कोई भी व्यक्ति चाहे फेसबुक पे या किसी सोशल साइट्स के सहारे कॉल के सहारे या किसी भी तरीके से आपसे पैसे मांगने की कोशिश करता है और पैसे मांगता है या कोई मैसेज या कोई लिंक भेजता है तो उससे सावधान हो जाए, क्योंकि आप जब तक सावधान हैं तब तक ही सुरक्षित हैं, अन्यथा आपकी छोटी सी लापरवाही आपके बैंक खातों से आपकी गाढ़ी कमाई उड़ा सकती है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, इस तरह की वीडियोस देखने के लिए देखते रहें प्रवासी एक्सप्रेस, और यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।